हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है ट्यूसडे और मैंने सोचा कि मैं आज व्लॉग बनाऊंगी। और अब मैं सोच रही हूँ ज़रा अपनी व्लॉगिंग पे ध्यान दी, जो मैं इतनी ढीट बन गई हूँ, लेकिन कोशिश करते हैं जो मैं हर बार कहती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैंने ये सारा जमघटा लगाया हुआ है, इसका मैं कबर्ड साफ़ कर रही हूँ गुलबानों का, जो कि मुझे बहुत गंदा लग रहा है कुछ दिनों से। तो अभी मैं पूरा ये साफ़ करके और सोच रही हूँ कि मैं उसके बाद अपना कबर्ड साफ़ करूँ। अभी मैं बना रही हूँ पास्ता इतने दिनों बाद, क्योंकि आज कल गैस आया था तो मैंने बॉईल किया, गैस नहीं होती तो मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं करता। और खाने के लिए मैं बनाऊँगी चिकन कोरमा, और इसमें गैस है तो मैं वो यूज़ करने के लिए फ्राइज बना रही हूँ ताकि इसका गैस ख़त्म हो जाए। और अब मैं सोच रही हूँ कि ये जो मेरे कबर्ड का पूरा हशर है ये सारा साफ़ करूँ। ये सारा हशर इसका हुआ है ये जो मैं शादियों में गई हूँ ना उसके बाद। और ये इस मैडम को आराम नहीं है, मुझे कोई भी चीज़ सुकून से करने नहीं देगी। कपड़े तो थोड़े बहुत ही ख़राब हुए, उनको सही करूँगी, और बाकी ये सारी चीज़ें ना जो सामने इस तरह पड़ी हुई हैं ये सारा साफ़ करूँगी। गुलबानो आप मेरी मदद करेंगी। और ये मेरा पूरा कबर्ड सेट हो गया, कितना साफ लग रहा है। अब देखो मैंने सारी चीज़ें हटा दी हैं, हर किसी की जगह पे रख दी हैं। मैंने बोला था अभी कि मेरे कपड़े सेट हैं, ये बस आगे जो चीज़ें पड़ी हुई हैं ना उनसे बहुत गंद मचा हुआ है, जो कि अब मैंने बिल्कुल सेट कर दिया है। इसमें मेरी थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने सामने रखी हुई ताकि मैं भूल जाती हूँ, जैसे कि मेडिसिन वगैरह। और यहाँ पे मैं सेट कर रही हूँ और ये उझाड़े जा रही है। अब इसने पता नहीं क्या, अब इसने लिपस्टिक उठा ली। और अब मैं अपना मेकअप वाला ड्रॉअर साफ करूँगी, उसके बाद आज बिग बॉस देखूँगी। चलो गुलबानो। और अब मुझे अपना ये मेकअप ड्रॉअर सारा साफ़ करना है, जो कि फाहद कह रहा है कि नहीं करो, मुझे सोना है। तो मैं कह रही हूँ कि मैं कर दूँ, लेट्स सी। और मैं अपना कबर्ड सेट नहीं कर रही क्योंकि फाहद को मेकअप ड्रॉअर, क्योंकि फाहद को सोना है। अब वो मैं करूँगी कल, अभी हम जाके बिग बॉस देखेंगे, लेट्स गो। अभी हम बैठ के अपना ही ब्लॉग देख रहे हैं जो मैंने डाली थी शादी की, सब जाके देख लेना। शादी नहीं है, मंगनी हुई थी। मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, लेकिन ये आज है चक्की का आटा, जो फहद ने बोला है कि ये यूज़ करो, तो मैं ये यूज़ करूँगी। और इससे इतना अच्छा पराठा बन रहा है। और अम्मा ने बनाए हैं आलू के कबाब, उन्हीं से थोड़ा आलू बच गया तो उनके मैं पराठे बना रही हूँ। आज है थर्सडे और मैं और सासू मॉम और अम्मी हम लोग जा रहे हैं, तो मैं कह रही थी कि हम जा रहे हैं अम्मी की कज़न के घर काफ़ी टाइम बाद, और फिर वहाँ से मैं जाऊँगी अम्मी के घर रुकने कुछ दिनों के लिए। लंच में है यम्मी यम्मी बिरयानी, वो भी मटर की, मेरी फेवरेट बिरयानी। ये पुलाव होती है? नहीं, बिरयानी, मटर बिरयानी। अम्मी ये बिरयानी है पुलावा? बिरयानी सिर्फ चिकन का होता है। बिरयानी पुलाव, पुलाव तो वरक बनाने का करना था, इसकी शादी होगी। पुलाव 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 स्क्रीन दे रहे हैं सब। अच्छा चलो साइड में, चलो बोरवे। कौन कौन से हैं भाई? पिक्चर भी लगी अंदर भी देख, पिक्चर वाले सब हैं, जब भी नहीं होते पिक्चर वाले। हम आज देख रहे हैं एनिमल मूवी, जिसका हमें सुबह से इंतजार इसका नहीं पापा का था कि पापा आएंगे उनके साथ देखेंगे। पापा कह रहे हैं कि ये मूवी है 18+, तो कोई भी नहीं देखेगा। तो मैं तो 23 हूँ, मैं तो देखूँ, जेमल लोग नहीं देखेंगे। और अभी खाना लग गया है, सब खाना खाएंगे। गुलबाना को अपने पापा की याद आ रही है, मैंने इनको वीडियो कॉल पे इसको बात कर रही है, अभी कब से ये रो रही है। गाइस आई एम 18। नो यू आर नॉट। मैं कब से बिग बॉस देख रही थी, और जब से मैं बिग बॉस देख रही हूँ तब से नूर मेरा पेडिक्योर कर रही है। मैं इतने मजे से ढीठों की तरह बैठ के पेडिक्योर करा रही हूँ। इस मैडम के पास सारा सामान है और मुझे इतना मज़ा आ रहा है, इसने मालिश वगैरह सब किया है। और मैं अपना पॉपकॉर्न टैंग और बिग बॉस में बिजी थी। अब बस हमारा पेडिक्योर ख़त्म हो गया है ना, ये मास्क हट रहा है, तो ये मेरे ब्लॉग पे गुंगी हो जाती है और वो लोशन। मम्मा ओहो, मर्ची सज्जे गार्डन साफ कर गई। माली कल बेचारा
ये मैडम आज सारे गमलों को पानी दे रही है। ये गमले आज या बचेंगे या जाएंगे। एक ही को 100 बार पानी दे रही है। उसका ग्लास चेंज हो गया है, छोटू सा ग्लास इसको नानी ने दे दिया ताकि ये उठा सके बेचारी। अभी नींद से उठी है, बाल हम तो वापस से नींद आ जाए टूट रही है सर। बोलने भी लगी थी कि नींद आ जाए। हाँ अच्छा, एक ही गमले आ रहा गली गली। यस हाय हाय। हेलो, आज है सैटरडे और आज हम जा रहे हैं किसी काम से थोड़ा बाहर। फहद भी आया हुआ है तो तभी मैं अपनी गाड़ी जा रही हूँ, अम्मी लोग अपनी गाड़ी में आएंगे। आज का दिन कैसा होगा। मैंने हम अपने काम कर निपटाएंगे सारे, उसके बाद जाके कहीं कुछ ने बंद कबाब ऑर्डर किए जो नूर से सबल नहीं हो रहा, उसे अपना खा लिया। लेकिन यहाँ पे 1 घंटे का वेटिंग है खाना खाने लिए। हम शायद डॉलमेन वाले पे पहुँचा जा रहे हैं। हाँ हम आ गए हैं चाइना टाउन खाना खाने। हम थोड़ी देर पहले ही घर आए हैं, थोड़ी देर पहले नहीं तो काफ़ी टाइम हो गया है अब, लेकिन इतना मैं थक चुकी हूँ कि मैं कब से लेट के अपने मोबाइल में ही लगी हुई, एक ही जगह लेटी हुई। दिल ही नहीं कर रहा कि कुछ करूं। गुलबानो भी बेचारी रास्ते में सो गई थी क्योंकि आज का थोड़ा लंबा दिन था, थोड़े बहुत काम निपटाने थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक से हो गए और अब हम बैठे हैं। फिर हम गए खाना खाया चाइना टाउन, लेकिन चाइना टाउन बड़ा महंगा है। मैं समझी कि सस्ता सा रेस्टोरेंट है, मुझे नहीं पता। मैं गई थी लेकिन काफ़ी पहले, मैं इतना ज़्यादा नहीं खाती चाइनीज़। मुझे देसी चाइनीज़ ज़्यादा पसंद है जो मैं घर पे बनाती हूँ। एक्सक्यूज़ मी आई एम ब्लॉगिंग। तो हम गए थे चाइना टाउन, मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा, इतना हमने ऑर्डर नहीं किया था जितना हमारा बिल आ गया चाइना टाउन में। तो खैर हमने तो खा पी लिया, उसके बाद हमने सोचा सर चाउन कोको चाइन चले जाते खा पीने के बाद। लेकिन खाना अच्छा था वहाँ का, मतलब अच्छा था खाना, तो पैसे ज़ाया नहीं हुए। जैसे घर आए नूर मैडम ने अब सबके लिए चाय बनाई है जिसकी बहुत ज़रूरत हो रही है। कब से हमने चाय नहीं पी, सुबह से सुबह पी थी, उसके बाद अब चाय पियेंगे। और एक और मैं एनिमल मूवी का रिव्यू देना चाहूँगी जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हमने कल बैठ के एनिमल मूवी देखी, मैं सेट ही नहीं हो पा रही कि मैं कैसे बैठूं। इतना हमने पूरा दिन वेट किया, पापा आएंगे हम सब मिलके बैठ के मूवी देखेंगे, लेकिन मूवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। 3.5 घंटे हमारे वेस्ट गए। मुझे इतना पसंद नहीं आया, शायद लोगों को पसंद आया होगा। मूवी में सारी मूवी में ना पता क्या, मैं वो दे देती हूँ स्पॉयलर, पापा 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 पापा, भाई तेरा भी क्या पापा पापा करना, पापा के चक्कर में इतना बिगड़ गया बेटा, ना बीवी को होश है ना बच्चे का होश है ना बीवी का होश है, और पापा को फर्क ही नहीं पड़ रहा। What the hell bro, ये क्या मूवी थी, वेस्ट ऑफ टाइम। इतना जो इसका हाइप है ना, मुझे नहीं पसंद आया, साफ सीधी बात है। और मैंने एक इतनी सारे बीच के हड़बड़ में एक चॉपिंग बोर्ड लिया, आप लोगों को दिखा देती हूँ। इतना प्यारा सा अपनी वीडियोस के लिए एक ऑलरेडी है मेरे पास चॉपिंग बोर्ड, वो भी बड़ा प्यारा है, लेकिन वो बड़ा है तो ये मैंने थोड़ा छोटे साइज़ का लिया है। मिलिए अब इस पर मैं अच्छा अच्छा कट 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 करके वीडियो बनाऊँगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग यू गाइज, होप आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। कल मिलते हैं, कल ये व्लॉग अपलोड होगा संडे को, और संडे को स्टार्ट होगा न्यू व्लॉग। कोशिश करूँगी कि मैं कल पूरा दिन व्लॉग बनाऊँ और कल का ही अपलोड करूँ, सुस्ती ना करूँ। आजकल पता है क्या है, मेरा फोकस इंस्टाग्राम पे ज़्यादा, यूट्यूब पे इतना नहीं है, लेकिन अब पापा कह रहे हैं थोड़ा यूट्यूब पे भी फोकस करो अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे बढ़ना है। कभी इतना बोर हो जाती हूँ एडिटिंग से कि दिल करता है चैनल बंद कर दूँ, लेकिन कभी कहती हूँ नहीं टाइम पास तो हो जाता है ना,